मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं काम वेगानं सुरू आहे अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 508 किलोमीटरपैकी 320 किलोमीटरवर पाया स्तंभ आणि व्हायाडक्ट उभारणीचं काम पूर्ण झालं आहे असं त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती मिळाली. महाराष्ट्रात या प्रकल्पासाठी भूमी संपादनाचं काम पूर्ण झालं आहे. बीकेसी स्थानकाचं कामही वेगानं सुरू आहे असं त्यांनी सांगितलं. या प्रकल्पात समुद्राच्या सुमारे 30 मीटर खाली 21 किलोमीटरचा बोगदा तयार करण्याचं कामही प्रगतीपथावर आहे असंही त्यांनी सांगितलं. बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है. जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो गाड़ी 50, 60, 100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है. लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है मान्य अध्यक्ष जी. इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है. इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायाडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है. टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायाडक्ट बन चुका है. महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है. बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है. समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है. वो टनल 21 किलोमीटर की है. वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की. उसका काम भी चालू हो गया है. बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है. यावेळी शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांनी कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना वैष्णव यांनी दुहेरीकरणासह अन्य महत्वाची कामं संबंधित राज्यांच्या समन्वयानं पूर्ण केली जातील अशी ग्वाही दिली. देशात गेल्या 10 वर्षात मोबाईल जोडण्या 117 कोटींवर तर दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी 85% पोहोचली आहे अशी माहिती दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी आज लोकसभेत दिली. 93 कोटी जनतेपर्यंत इंटरनेट जोडणी पोहोचली असून इंटरनेटचा वेगही 57% वाढला आहे. डेटाच्या किमतीत 94% घट झाली आहे आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहार वाढले आहेत असंही त्यांनी सांगितलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का ये संकल्प है कि डिजिटल एक्सेस एक एक नागरिक को मिले. डिजिटल एक्सेस के साथ हर एक नागरिक का समावेश हो और हर एक नागरिक का समावेश के साथ हर एक नागरिक का सशक्तिकरण भी हो डिजिटल इंडिया में. और उसी के तहत पिछले 10 वर्षों में जहां मोबाइल कनेक्शंस देश में केवल 90 करोड़ होते थे, आज 117 करोड़ हो चुके हैं और टेलीकॉम कनेक्टिविटी 85% देश में हो चुकी है. इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो बात की, जो ये लोग आज यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं, उन्होंने यहाँ बैठकर केवल हमारे 25 करोड़ देश की जनता को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी थी. आज देश के अंदर करीब करीब 90-93 करोड़ जनता को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में. मतलब करीब करीब 57% बढ़ोतरी हुई है. और उसी के साथ हमारा जो इंटरनेट स्पीड है 1.3 Mbps था इनके समय में, आज वही स्पीड बढ़कर 107 Mbps हो चुकी है. देशातील 6.5 लाख गावांपैकी 6,20,000 गावं इंटरनेट आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीनं जोडली गेली आहेत अशी माहिती त्यांनी गडचिरोली काँग्रेस खासदार डॉ नामदेव किरसान यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. महाराष्ट्रात भारत नेट टप्पा 2 अंतर्गत 12,500 गावं इंटरनेटनं जोडण्यात येणार आहेत असंही त्यांनी सांगितलं.
बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेरे महाराष्ट्र का। सर, मराठा होने के नाते मेरी एक भावनात्मक लगाव इस क्षेत्र से भी है। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे गांव हैं वहां हमारी रूरल कनेक्टिविटी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज करीब करीब 90% हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 100% से ज़्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 52% कनेक्टिविटी हो चुकी है। उसी के साथ साथ आज महाराष्ट्र में हमारे टोटल ग्राम पंचायत भारत नेट फेज 2 में 12,513 हमने लिए हैं। 50,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने ले की है और करीब करीब 9,500 हमारे ग्राम पंचायत पूरी तरह से इंटरनेट केपेबल हो चुके हैं। 22,000 करोड़ के पैकेज के आधार पर सारे गांव देश के अंदर मोबाइल के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और USOF फंड के आधार पर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के आधार पर पूरी राशि दी गई है इन 22,000 गांव के लिए कि पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी इनको दे पाए, जिसमें गढ़चिरौली जिला भी शामिल है। त्यापूर्वी आज कामकाज सुरू होताच लोकसभेत पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक पटकावलेल्या मनू भाकर आणि सरबजोत सिंह यांचं अभिनंदन करण्यात आलं।